में पढ़ना बर्डन लगता है? क्या आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं? क्या आप भी पढ़ने का इजी और इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ रहे हैं? सो इन दिस वीडियो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज रुबीना एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू 14 टिप्स जिनको फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, स्टडी माइंडसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। आपको वही करना है जिससे आपको बेनिफिट्स मिले, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? स्टडीज, राइट? सो लुक एट योर स्टडी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? कि हम हमेशा स्टडीज को बोरिंग और टफ समझते हैं। हमने ये माइंडसेट ही बना रखा है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग और टफ होती है, तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होने भी लगता है और पढ़ाई हमें टफ और बोरिंग लगने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रियलाइज दैट स्टडी इज अबाउट मोर देन द टॉपिक बिफोर यू। जो स्टडीज हम बुक से कर रहे हैं वो सिर्फ स्टडी का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि ये टॉपिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ो उन सबको अपनी लाइफ की आसपास की चीजों से रिलेट करके देखो, देन यू विल नो कि वाओ, मैंने तो अपने सब्जेक्ट से बहुत नॉलेज गेन करी है। हाउ नॉलेजेबल आई एम। स्टडी इज लाइक एक तीर से दो निशाने। एक तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हर टॉपिक की, और दूसरी हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। So now you can observe how beneficial your studies are. Tip number 2, music while studying. Study को interesting बनाने के लिए आप music सुन सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। Whatever you are learning, आप उसे song की tune में पढ़िए या फिर उसे rapping करके पढ़िए। इससे आपका entertainment भी होगा और आपको easily learn भी हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड करके बार बार सुन भी सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक इजीली याद भी हो जाएगा। तो हो गई ना स्टडी मजेदार। टिप नंबर 3, क्रिएट पोस्टर्स। व्हाटएवर यू आर लर्निंग, उस चीज का आप पोस्टर बनाइए। उस पोस्टर को आप क्रिएटिविटी के साथ बनाइए। ढेर सारे कलर्स का यूज करिए और फिर उसे वॉल पर स्टिक कर दीजिए। इस एक्टिविटी से आपने जो लर्न किया है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही वॉल पर स्टिक रहने से आप टॉपिक को बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे और साथ ही आपकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। टिप नंबर 4, ई लर्निंग। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यूट्यूब या गूगल से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर, then you can learn from my channel also and subscribe it for these topics. Tip number 5, group study. Padhai ko interesting banane ka one of the easiest way is study with your friends. Because jo topic aapko clear hai wo aap apne friend ko samjha sakte hain, aur jo topic unhe clear hai wo aap unse samajh sakte hain. To is tarah aapki studies easy and interesting bhi ho jayegi और आप इंजॉय करके पढ़ेंगी। बट अब सवाल आता है कि इस पैंडेमिक में कैसे ग्रुप स्टडीज हो? द सॉल्यूशन इज यू कैन सिंपली कनेक्ट विद देम थ्रू फोन कॉल्स एंड डिस्कस योर टॉपिक। टिप नंबर 6, डेली टारगेट। रोज अपना एक टारगेट सेट करिए और अपने आप को कमिटमेंट दीजिए दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट। डेली बेसिस पर अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, लेकिन रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री माइंड से, बिकॉज स्ट्रेस से हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। सो स्टडी स्ट्रेस फ्री। व्हेन यू विल अचीव दिस काइंड ऑफ टारगेट्स, यू विल फील अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। टिप नंबर 7, टीच। जो भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए हैं उसे आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाएं। इससे आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा
और टीचिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा। टिप नंबर 8, यूज नाइस स्टेशनरी। आप अच्छी स्टेशनरी को यूज करें जिससे आपका स्टडी करने में और भी ज्यादा मन लगे। अपने स्टेशनरी आइटम्स, स्टडी टेबल एंड बुक शेल्फ को क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। टिप नंबर 9, इमेजिनेशन। ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स विच यू हैव लर्न्ड फ्रॉम योर टॉपिक। ट्राई टू विजुअलाइज इट। अगर आप टॉपिक को अपनी तरीके से इमेजिन करेंगे देन यू विल इजीली मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। टिप नंबर 10, शेड्यूल। मेक एन इफेक्टिव शेड्यूल इन विच यू मेंशन योर स्टडी टाइम एंड ब्रेक्स अकॉर्डिंगली। शेड्यूल बनाने से आपकी स्टडीज टाइम पर होंगी और साथ ही आपके अंदर पंक्चुअलिटी भी आएगी। टिप नंबर 11, क्वालिटी लर्निंग। आपको पूरे पूरे दिन स्टडी नहीं करनी है बल्कि आपको क्वालिटी लर्निंग करनी है। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके, बिकॉज एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ने से हम बोर हो जाते हैं और कुछ समझ में भी नहीं आता है, हमें क्वालिटी नॉलेज नहीं मिल पाती है। एनीथिंग बिकम्स डल इफ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, सो थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। टिप नंबर 12, रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा पढ़िए फिर ब्रेक लीजिए, फिर थोड़ा पढ़िए फिर ब्रेक लीजिए। इस तरह से आपका बैलेंस बना रहेगा। सो रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ स्टडीइंग बाय गिविंग योरसेल्फ रेगुलर ब्रेक्स। टिप नंबर 13, स्टडी एनवायरनमेंट। गुड स्टडी एनवायरनमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जहाँ पर स्टडी करें वहाँ प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। डेस्क के लिए कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, बिना कंफर्टेबल हुए आप प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपका जो स्टडी लोकेशन है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करें, बिकॉज एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते रहने से हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो चेंज योर चॉइस ऑफ लोकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। टिप नंबर 14, कीप स्नैक्स एंड वाटर बॉटल क्लोज। पढ़ते टाइम कुछ स्नैक्स अपने पास रखें जिसे बीच बीच में खाकर आप अपने आप को बूस्ट कर सकें। लेकिन स्नैक्स रखने का ये मतलब नहीं है कि आप ढेर सारे स्नैक्स लेकर बैठें और उसे खाने में अपना टाइम वेस्ट कर दें। नो, आपको ये नहीं करना है। आपको सिंपल से सिंपल स्नैक्स लेने हैं जिससे आपको एनर्जी मिले, जैसे कि फ्रूट। आई होप गाइस आपके लिए ये टिप्स हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।